अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। 1 केजी हमने मटन ले लिया। आज हम चलकर आपको दिखाते हैं यह मटन कढ़ाई कैसे बनती है। आज मटन कढ़ाई नए अंदाज से बनाकर दिखाते हैं। कढ़ाई के हम यह गोश्त डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके अंदर ये हमने ये लहसुन डाल दिया। 4 घंटे हमने ये लहसुन के डाले और 1 चम्मच ये डालना है। 1 केजी में 1 चम्मच डालना है नमक और हम डालते हैं इसके अंदर पानी। ज्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 कप डालना है। या आप कह रहे होंगे जो ये देखिए में कढ़ाई कैसे बनती है, ये मेरा सीक्रेट है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा ये कढ़ाई देखिए में कैसे बनाई जाती है। ये हमने प्याज ले ले 1 अदद और इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। अब इसको हम मिला देते हैं, वो नमक बिल्कुल हमारा मिक्स हो जाए। तो हम अब खड़ाते हैं चूल्हे के ऊपर। अब हम इसके नीचे चूल्हा जलाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अब हम इसको बंद कर रहे हैं आधे घंटे के लिए। ये आधे घंटे तक जो है ना हमारा गोश्त गल जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं बंद। हम गलने के बाद जो है ना आधे घंटे बाद मिलते हैं। ये हमारा गोश्त गल चुका है, हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम बनाते हैं इसको, उतार लेते हैं। तो निकाल लिया, ये करके निकाल लोगे इसको। ये हमारा लहसुन ये भी बिल्कुल गल चुका है। कशोरा जो है ना बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हम कढ़ाई ले लिए, जो हमारा सीक्रेट था हमने आपको बताया था, हम अब इस कढ़ाई के अंदर बनाएंगे मटन कढ़ाई। अब हम इसके अंदर तेल डाल रहे हैं। अब दिखाते हैं ये कैसे तैयार होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इसको उबैल कर लिया था। ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, हमारा तेल गरम हो चुका है। हम ये टमाटर, कह रहे थे हमने टमाटर काट लिए थे। तो हम मिक्स कर देते हैं। के अंदर 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ये जीरा, ये गरम मसाला, ये 3 अदद छोटी इलायची,
और एक चम्मच ये धनिया, और दो चम्मच ये लाल मिर्ची, के अंदर हम डालेंगे ये लहसुन, एक चम्मच हमारा ये लहसुन अदरक पिसा हुआ, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। नहीं, ये इसके अंदर पानी नहीं डालना, हम जो पहले इसका सूप निकाल लिया था अब वही हम सूप डालने जा रहे हैं। यखनी जो आप तो मेरा यखनी भी समझते हो कि ये वही यखनी है, इसके अंदर ये डाल रहे हैं हम लोग, पानी नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह आप ऐसे बनाओगे तो फिर बहुत ही लुत्फ भी उठाओगे और खाने का मजा भी आएगा। एक दफा आप बनाकर इसको देखें, ऐसे बहुत जबरदस्त बनेगी। अब हम इसको मिक्स कर दिए और बिल्कुल इसको ढाप देते हैं। बीस मिनट के बाद मिलते हैं, हमारी कढ़ाई इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। हमारी कढ़ाई तैयार होगी, अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त, और देखो ये अंगूर से हो गए, टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर ये दही फेंट लेंगे, ऐसे डालोगे तो वो दानेदार बन जाती है और दाना रह जाता है इसका। ये देखें ये बिल्कुल गल बिल्कुल मध्यम हो चुकी है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, एक किलो के अंदर एक पाव दही है, ये देखें ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। के ऊपर हम डालने के ये धनिया, ये चूल्हा कर देते हैं बंद। ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी कढ़ाई तैयार है। जो हमारी कढ़ाई तैयार है, आपको ये पसंद आई हो तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब एक तो बनता भी है ना यार,